सदाचार। डॉक्टर अलका शर्मा जी, मेरी दरख्वास्त है अनूप कुलूरिया जी को आप गेट पर खड़े रहें और जो भी साथी आ रहे हैं तो इस साइड बैठाएं उनको। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत रत्न पद्म विभूषण डॉक्टर निर्मला देश पांडे जी के छोटे भाई, जम्मू कश्मीर के सपूत, गांधी ग्लोबल फैमिली के नेशनल और इंटरनल जनाब पद्म विभूषण गुलाम नबी आजाद साहब, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राममोहन राय जी, नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर रजनीश कुमार जी जो नशा मुक्ति परिषद के प्रेसिडेंट भी हैं। तो वो आवाज निश्चित तौर पर उस मालिक के कानों तक पहुंचती है। तो अब मैं देश भर में विख्यात हमारे जम्मू की जानी मानी आवाज पूरे निकलना की निष्ठापूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए जातिवाद अलगाववाद अत्याचार के फैलते अंधकार पर और संकल्प लेती हूँ कि दया प्रेम भाईचारे एवं सद्भावना के दीप जलाकर राष्ट्रपिता का संदेश जन जन तक पहुंचाऊंगी। मैं ये भी शपथ लेती हूँ विशेषकर अपनी जन्मभूमि पर गांधी जी के सपनों का कि उनको पद्म विभूषण भी मिला और उसके साथ पाकिस्तान जैसी देश मजबूर हो गया कि उन्होंने उसको सितारा इम्तियाज दिया 2009 में, जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा एजाज है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या शख्सियत थी। इसके साथ साथ उन्होंने हरिजन समाज, उन्होंने भारत रचनात्मक समाज की भी स्थापना करी। डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल्स के बच्चे, आप सबका स्वागत है आज दीदी के जन्मदिन पर। ये 93rd जन्मदिन है आज दीदी का। दीदी निर्मला देश पांडे जी, यहाँ डॉक्टर रेनू जी ने अपने ख्यालात बताए, बशीर अहमद साहब ने, फियाज साहब ने,
कैलाश शर्मा जी ने, रिंजू जी ने और हमारे भूतपूर्व मंत्री मुझसे पहले बोल चुके आरएस चिप साहब, बहुत सारे लोग बोलना चाहते थे लेकिन समय कम होने की वजह से मुझे अभी 3-4 फंक्शन और अटेंड करने हैं। एक तो फंक्शन 12:30 का था, यहाँ से आधा घंटा दूर है, और फिर 2-3 फंक्शन के बाद मुझे श्रीनगर की फ्लाइट लेनी है, और कल मैं बहुत दूर श्रीनगर से टंगडार, जिसमें तकरीबन 6 घंटे लगते हैं, जो कि बिल्कुल पीओके के आमने सामने, वहाँ भी कहते हैं कल से बर्फबारी है, तो मुझे उसी में जाना है। मैं प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता, 3 दिन का बॉर्डर का प्रोग्राम है, वहाँ बहुत ही कम लीडर जाते हैं। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो 20-22 दफ़ा गया था, क्योंकि बॉर्डर पे हमारे फौज के लोग हैं या आम जनता है, उनको विश्वास देने के लिए ज़रूरी किसी न किसी लीडर को जाना चाहिए कि हम आपके साथ। आज हमारे लिए एक ऐसा दिन है जिसपे बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। जब मैं स्टूडेंट था और एसपी कॉलेज में पढ़ता था कश्मीर में, मैं 6 महीने साइंस कॉलेज जम्मू में पढ़ता था और 6 महीने एसपी कॉलेज श्रीनगर में पढ़ता। मेरे ताया जी डायरेक्टर एजुकेशन थे, तो उनका दरबार मुंह होता था, तो मेरा भी दरबार उनके साथ ही मुंह, मैं उन्हीं के साथ बचपन से था। गांधी जी की शताब्दी पूरे देश में मनाई जा रही थी 69 में, और नॉर्थ इंडिया की जितनी भी सेलिब्रेशन थी वो श्रीनगर में मनाई जा रही थी। देश भर के गांधीवादी वहां आए थे 15 दिन के लिए लेक्चर देने के लिए, और शताब्दी मनाने से पहले तकरीबन 4-5 गांधीवादी 1 महीने से कश्मीर वादी में घूम रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स को ढूंढे का शिविर कैंप अटेंड करें गांधी जी पर, जिसपे चर्चा होगी, गांधी जी ने आजादी के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया उसमें चर्चा। लेकिन दुर्भाग्य से उनको सिर्फ 2 ही लड़के मिले, मैं और मेरा एक दोस्त बशारत अहमद, जो के बाद में मैथ ने MSc की, उसने MA किया, और वो उसके बाद दूरदर्शन में चले गए और रिटायर हुए डायरेक्टर दूरदर्शन। तो वो 15 दिन हमने उस कैंप में, उस शिविर में हिस्सा लिया, और उस वक्त तक हम साधारण स्टूडेंट्स की तरह थे, लेकिन गांधी जी के बारे में और उनके तमीज तमाम सहयोगियों के बारे में, अब 15 दिन हर दिन 5-6 लेक्चर होते थे, जैसे क्लास में अलग अलग गांधीवादी आते थे, वो फिर अपने आप को सभी सहमत गांधी जी तक नहीं रखते थे, वो जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उनका भी उसमें उल्लेख होता था, उनकी भी उसमें चर्चा होती थी, उनके बारे में भी बताया जाता था। तो फ्रीडम स्ट्रगल में जितने हमारे हिंदू मुसलमान बुजुर्ग थे, बहादुर शाह जफर से लेकर और गांधी तक, उन पे लेक्चर दिए गए, भगत सिंह, राजगुरु, इश्फाकुल्ला, ये सब उसमें आ गए, और गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, इनकी सबकी चर्चा हो। तो हमारे दिमाग में तब से लेकर अब तकरीबन 50 साल होने वाले हैं, हो भी गए, तो ये देशभक्ति का और हमारे फ्रीडम फाइटर्स का जो रोल रहा, और एक चीज मेरे दिमाग में गई
कि हमारी पूरी आजादी की लड़ाई, बल्कि 1857 से लेकर बहादुर शाह जफर के जमाने से ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई में नहीं, हिंदू और मुसलमान के बीच में होड़ लगी थी कि ज्यादा कुर्बानी कौन देगा, जिसे हम गदर कहते हैं 57 में, जहां हमारे हिंदू भाई फौजी मारे गए, वहां सैकड़ों हमारे इसी मेवात के और दूसरे जगह के हमारे जो मौलवी साहिबान उनको भी शहीद कर दिया। और यही वजह है कि 1857 में जब अंग्रेजों ने देखा कि ये हिंदू, और ख्याल रखे भाई बहन का क्या ख्याल रखे, समाज का तो सवाल ही पैदा नहीं है, समाज तक तो पहुंच ही नहीं है, तो ये एक अपहज हमारा समाज हो रहा है, इसके लिए हमारा जंग है जहाद। जहाद किसी धर्म के खिलाफ नहीं होता, जहाद बुराई के खिलाफ होता, समाजी बुराई के लिए, या कोई दूसरा मुल्क कार पर हमला करे उसके खिलाफ जहाद को कहते हैं। हमने जहाद के मतलब ये निकाला, हिंदू मुसलमान से लड़ेगा मुसलमान, उसको जहाद, उसको जहाद नहीं कहते, उसको बदतमीजी बोलते हैं, बेवकूफी बोलते हैं, हमाकत बोलते हैं। जहाद है हमारे समाज में जो कैंसर की तरह हिंदू को ही उतना असर करती है, मुसलमान को भी उतना ही असर करती है, सिख को भी उतना ही असर करती है, ईसाई को भी उतना ही असर करती है, उसके खिलाफ जहाद करना। और जब कोई दुश्मन हम पर हमला करेगा बाहर वाला, उस पे हमारे जनरल्स का सहयोग देना है, उसमें जहाद करना। तो अल्लाह न करे, भगवान न करे कि कोई लड़ाई हो जाए, उसका लड़ाई का पूरी दुनिया भुगत रहा है, रशिया और उसके हमसाये मुल्क का, तो आज दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी वजह से महंगाई, तो ये बड़ी बीमारियां भी लाता है। लड़ाई के लिए बहुत लोग कहते हैं जल्दी हो जाए हम निपट लेंगे, लेकिन उसमें खुद ही निपट जाता, बड़ी कंट्री भी निपट जाती, छोटी भी निपट जाती, और दुनिया में निपट जाता। लेकिन ये तो हमारे अपने हाथ में, अपने अपने बच्चों को समाज में, हमारे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, इसके खिलाफ स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, सभाओं में, पॉलिटिकल पार्टीज में, इस लड़ाई के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ हम जंग लड़ें, जहाद लड़ें, फाइट करें, और अपने स्टेट को, अपने देश को, दुनिया को बचाएं। इन्हीं शब्दों के तो आज वो स्थिति नहीं है, इसलिए आज हमको गांधी जी की ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं, स्थिति बदल जाती। गांधी जी खादी के बारे में बोलते थे, क्योंकि विदेश सब कपड़ा आता था, उसका बाइकॉट करने के लिए उन्होंने कहा खादी पहनो, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी होगा, यहां बनता है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, आज कोई खादी पहनना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहनना अनिवार्य नहीं, क्योंकि आज पूरी दुनिया को हम कपड़ा बना के भेजते हैं, तो आज वो भी स्थिति बदल गई। हम संविधान में इतनी 150 के करीब हमने संशोधन किया, तो जो 50s में सबसे बड़ी दिक्कतें और हैं, उनका उल्लेख नहीं करूंगा, वो अभी अगली सभा में करूंगा जब पार्टी की मीटिंग होगी, अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी चीजें, लेकिन यहां उसमें राजनीति में नहीं जाना चाहता। लेकिन आज हमारी जो समाज में, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से इसलिए कि बॉर्डर के पास, पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, BOK बॉर्डर के पास, जम्मू में पाकिस्तान और कई जगह POK, और कश्मीर में अधिकतर POK बॉर्डर। ये जो ड्रग्स आते हैं,
मैंने देखा हर पब्लिक मीटिंग में लोग एम्प्लॉयमेंट पर बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पर बोलते हैं, बेकारी बेरोजगारी वो ठीक है समझना, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या हमारी है ये ड्रग्स। हमारी एक पीढ़ी खत्म हो रही है और जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके गरीब वालदेन ने पेरेंट्स अपनी कमाई अपनी जमीन अपना घर बेच दिया कि ये बाद में उनका सहारा बनेंगे, अपनी बहन की शादी करेंगे, अपने छोटे भाई को पढ़ाएंगे, बुढ़ापे में मां बाप का ख्याल रखें, वो तो खुद ही खत्म हो रहे हैं। बहुत सोशल ऑर्गेनाइजेशंस से आए हुए लोग हमारे स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे जन बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, पुणे में रहते हैं, वो हमेशा मोतीलाल धर साहब, मेरे ख्याल में वो 90s के करीब हैं, लेकिन लेट 80s तक वो बहुत ही सक्रिय थे। और अब जनरल कौल साहब हम लोगों के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे जनरल्स हैं हमारे साथ, जनरल जमवाल, बाकी बहुत सारे देश भर के कई